मुझे लगता है कि आजकल लोग ना सीने में दिल नहीं कैलकुलेटर लेके घूमते हैं। वो किसी से मिलने से पहले ये सोचते हैं और ये हिसाब लगाते हैं कि हमें इस इंसान से क्या फायदा होगा। सही कहा ना? एक सच्ची बात बोलूं, जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है ना, तो पहले वो इंसान आपको उस तरह से ट्रीट करता है जिस तरह से वो चाहता है कि आप उसे ट्रीट करो। लेकिन कुछ समय के बाद वो इंसान आपको उस तरह से ट्रीट करने लगता है जिस तरह से आप उसे ट्रीट करते हो। तो अगर आपको उसके बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो पहले खुद के बिहेवियर की तरफ देखो। क्या पता बदलने की जरूरत हकीकत में आप ही को हो। एक बात कहूँ, इंसान को अपने खुदा से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी उम्मीद को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आपका खुदा नहीं। पता है आजकल रिश्ते क्यों टूटते हैं? हमारी अकड़ की वजह से। हम चाहते हैं कि वो फोन पहले करें और वो चाहते हैं कि हम फोन पहले करें, और ये चाहने ना चाहने में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को चाहना ही बंद कर देते हैं। सही कहा ना? ये मैसेज खास सब लड़कों के लिए है। कभी भी अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से ना झूठ मत बोलो, खासकर जब वो आपसे कोई सवाल पूछती हैं, क्योंकि लड़कियां हमेशा सवाल तब करती हैं जब उनको पहले से जवाब पता होता है और वो केवल आपको टेस्ट कर रही होती हैं कि आप सच बोलोगे या झूठ। सीन इग्नोर लेट रिप्लाई नो रिप्लाई सीन बट नो मैसेज, ये चीजें बहुत हर्ट करती हैं यार। सही कहा ना? एक बात कहूं, अगर मोहब्बत करनी है ना, तो ऐसे इंसान से करो जो आपके पागलपन से आपकी बेवकूफियों से भी प्यार करे, क्योंकि मोहब्बत के बदले मोहब्बत दी जाती है, मोहब्बत सिखाई नहीं जाती है। एक सच ये भी है कि जिंदगी में अगर हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो फिर वक्त हमारे रिश्तों को हमारे बीच में से ही निकाल देता है। सही कहा ना? सोच सोच का फर्क है ना, कि जो हमारे प्यार को टाइम पास समझते हैं, हम उन्हीं के टाइम पास को सच्चा प्यार समझ बैठते हैं। सही कहा ना? पता है सच्चा प्यार वो होता है जो अपनी गलती ना होने पर भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए फिर भी सॉरी बोल देता है। सही कहा ना? किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसकी इज्जत करना। सही कहा ना? सो आई होप आपको ये बातें कहीं ना कहीं रिलेट करी हो, कहीं ना कहीं आपको पसंद आई हो। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताना, खासकर ये बताना कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करी है, और साथ में ये वीडियो सब दोस्तों के साथ शेयर करना, खासकर उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे @theofficialgeet, जहाँ आपको ढेर सारे ऐसे ही और वीडियोस मिलेंगे जो आपको लव एंड लाइफ में मदद करेंगे।